साथियों, अगर हम आपसे पूछें कि क्या पियोगे तो आपका जवाब जरूर चाय ही होगा। घर पर मेहमान आए या फिर आप कहीं बाहर घूमने जाएं, चाय सभी की पहली पसंद होती है। कहीं कहीं तो मेहमानों को अगर चाय ना पूछो तो वो गुस्सा हो जाते हैं, और सर्दियों में तो चाय हर एक इंसान की जान होती है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें दिन भर चाय चाहिए होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चाय आपको बीमार बना रही है? ये आपकी एनर्जी बढ़ा नहीं रही बल्कि छीन रही है। वो कैसे, इस वीडियो में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि चाय से क्या क्या नुकसान आपके शरीर को होते हैं। चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिससे घबराहट और बेचैनी हो सकती है। ज्यादा चाय पीने से दिल की धड़कन बढ़ सकती है और दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। चाय पीने से आंतें खराब हो सकती हैं, जिससे पाचन की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा चाय के सेवन से एसिडिटी भी हो जाती है। चाय से और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, चलिए ये भी जानते हैं। चाय आपकी नींद को खराब कर सकती है, क्योंकि चाय में कैफीन ज्यादा होता है, जिससे कि हल्का मूत्र वर्धक प्रभाव हो सकता है, जिससे आपको नींद में से उठकर मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है, जो आपकी नींद में दखल का कारण बन सकता है। इसलिए ज्यादा चाय पीने से बचें। यदि कैफीन का ज्यादा सेवन किया जाए तो चिंता और बेचैनी हो सकती है, और चाय में तो प्राकृतिक रूप से कैफीन होता है। जितनी देर चाय को उबाला जाता है उसमें कैफीन उतना ही ज्यादा हो जाता है। ये आपके दांतों की खूबसूरती को भी खराब कर सकती है। चाय में मौजूद एसिड और टैनिन से दांत पीले होने लगते हैं। ज्यादा चाय पीने से धीरे धीरे आपके दांत बहुत ज्यादा पीले होते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि चाय पीने से उन्हें मल त्याग में आसानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादा चाय से कब्ज की शिकायत हो सकती है। चाय में थियोफिलाइन रसायन होता है, जो पाचन के दौरान निर्जलीकरण उत्पन्न कर सकता है, जो कब्ज का कारण बनता है। अधिक चाय आपको निर्जलित कर सकती है। यदि खाली पेट या ज्यादा मात्रा में चाय का सेवन किया जाए तो इससे मतली हो सकती है, क्योंकि चाय में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिससे मतली होने लगती है। चाय में मौजूद टैनिन की कसैली प्रकृति पाचन ऊतक को परेशान कर सकती है, जिससे मतली या पेट की दर्द की समस्याएं बढ़ जाती है। कैफीन से कुछ लोगों को सूजन भी हो जाती है। यदि आपने ज्यादा चाय पी है तो आपको सूजन हो सकती है। अधिक चाय निर्जलीकरण का कारण बन सकती है, जिसकी वजह से आपको फूला हुआ महसूस होने लगता है और शरीर में सूजन पैदा हो जाती है, यानी कि पेट फूला फूला सा लगता है। एक अध्ययन के अनुसार ये पता चला है कि जिन पुरुषों द्वारा ज्यादा चाय पी जाती है उनमें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। ये ज्यादा चाय पीने के सबसे बुरे दुष्प्रभाव में से एक है। यदि आप भी ज्यादा चाय पीते हैं तो आज से बंद कर दें, नहीं तो आपको भी इस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। चाय में मौजूद कैफीन पहले से मौजूद एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इससे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ती है, जिससे अम्लीय पेट की सामग्री आसानी से अन्न प्रणाली में प्रवाहित हो जाती है। कैफीन से पेट के एसिड उत्पादन में वृद्धि भी होती है, यानी कि एसिड ज्यादा बनने लगता है। गर्भावस्था में महिलाओं को चाय पीने से नुकसान हो सकते हैं। इसमें मौजूद कैफीन भ्रूण के लिए नुकसानदायक होता है, साथ ही गर्भपात का खतरा भी इससे बना रहता है। इसलिए गर्भावस्था में महिलाओं को चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, यानी कि हृदय रोगियों तक को भी चाय नहीं पीनी चाहिए। इससे खतरा बना रहता है और दिल की बीमारियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं चाय का जो लोग सेवन करते हैं उन्हें ये वीडियो जरूर दोबारा से रिपीट करके सुनना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि चाय के कितने बड़े नुकसान हैं। इसलिए आप आज से ही चाय का सेवन बंद कर दीजिए या फिर धीरे धीरे कम कर दीजिए, इससे आपकी सेहत को खतरा नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।